नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जुबेर खान एक बार फिर आपके अपने चैनल रतलाम नामली मंडी भाव में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। 17 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार और हम रतलाम प्याज मंडी में। सीधी तस्वीरें आप रतलाम प्याज मंडी की 4 नंबर शेड की देख रहे हैं। समय लगभग 6:45 का हो रहा है जी। हाँ दोस्तों, 6:40 हो रही है हमारी घड़ी के अंदर और ये सीधी तस्वीरें आप रतलाम प्याज मंडी की देख रहे हैं 4 नंबर शेड की। कुछ वाहन इधर लगे हैं दोस्तों, कुछ वाहन जो हैं वो उधर लगे हैं। थोड़ी थोड़ी सी जगह दो ही जगह पर जो है 4 नंबर शेड में खाली है। जी हाँ दोस्तों, दो ही देख जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी जगह दो ही में खाली है। अगर टोटल वाहनों की संख्या की बात करूँ 4 नंबर शेड की, तो ये मान के चलिए आप 60-65 वाहन जो हैं वो 60 से 70 के बीच में वाहन जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। 60 वाहन ही आप मानकर चल सकते हैं 4 नंबर शेड में लगे हुए हैं। ये सीधे हम आपको पीछे ले जा रहे हैं दोस्तों, जल्दी से चलिए। गाड़ी की स्पीड हमने तेज़ कर दी है, देख सकते हैं पीछे कोई वाहन नहीं लगा है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं पीछे कोई वाहन नहीं लगा है, पूरी मंडी जो है वो खाली है। अब जो भी वाहन लगे हैं वो कॉम्प्लेक्स के पास वाले हिस्से में लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स के पास वाले हिस्से में लगे हुए हैं और 2 नंबर और 3 नंबर शेड में जो है वो वाहन लगे हैं। अगर 2 नंबर और 3 नंबर शेड की बात करूँ, जैसा कि आप आगे वीडियो के माध्यम से देखेंगे, लगभग वो भी कम्प्लीट हो चुके हैं। कुछ वाहनों की जगह है लेकिन वो भी लगभग आप मानकर चल सकते हैं 2 और 3 नंबर शेड जो है वो कम्प्लीट हो चुके हैं। अगर 1-2 नंबर में बात करूँ तो 30 वाहन और 3 नंबर में बात करूं तो 30 वाहन, तो टोटल 60 वाहन जो हैं वो 2 और 3 में लगे हुए हैं और 60 वाहन करीब जो हैं वो 4 नंबर शेड में लगे हुए हैं। तो 120 के करीब वाहन तो शेडों के अंदर लगे हुए हैं। 1 नंबर में कोई वाहन जो है वो नहीं लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 नंबर शेड में कोई वाहन नहीं लगा है। मंडी प्रशासन ने कॉम्प्लेक्स के पास से ही जो है वो लाइन खींच दी है। आप आगे लाइन भी देखेंगे, वहाँ आगे तक आप वाहन नहीं लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सामने जो आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा, ये जहाँ पर ख़त्म होता है पहले ही वहाँ पर ही जो है मंडी प्रशासन ने लाइन खींच दी है। तो अब आगे वाहन नहीं लगेंगे, जैसा कि अभी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। टोटल अगर, और ये देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स के पास वाले हिस्से की बात करूँ तो यहाँ पर भी 60-70 से 80 के करीब वाहन जो हैं वो यहाँ पर भी हो चुके हैं। अगर अपन 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और कॉम्प्लेक्स के पास वाले हिस्से की बात करें तो कुल मिलाकर अभी तक रतलाम मंडी में आप 200 के करीब वाहन मानकर चल सकते हैं। 190 से 200 के बीच में वाहन जो हैं वो रतलाम मंडी में पहुंच चुके हैं। आप 200 वाहन मानकर चलिए, आ भी रहे हैं दोस्तों अभी वाहन, तो आप 200 के करीब वाहन रतलाम प्याज मंडी में 6:45 तक हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, देख ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आप, ये लाइन आपको दिख रही होगी व्हाइट लाइन, ये अब आगे तक वाहन नहीं लगेंगे दोस्तों। मंडी प्रशासन ने जो है वो यहीं पर लाइन खींच दी है। अभी आगे वाला हिस्सा पूरा खाली रहेगा। अब पता नहीं क्यों खींची है, अब आगे वाला हिस्सा जो है ये पूरा खाली रहेगा। 1 नंबर शेड आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई वाहन नहीं लगा। तो 200 के करीब वाहन रतलाम प्याज मंडी में 6:45 तक। जिन्हें भी रतलाम से लहसुन प्याज खरीदना हो, मेरे नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप संपर्क अवश्य करें। भाव वगैरह की जानकारी अगर आपको कैसा खुलेगा, क्या स्थिति बन सकती है, वो मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड करा है, तो आप अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, शायद हो सकता है कि उनके काम आए। ये 2 नंबर और 3 नंबर शेड लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है और 200 के करीब वाहन 6:45 तक रतलाम प्याज मंडी में जो हैं बने हुए हैं। तो जिन्हें भी रतलाम से लहसुन प्याज खरीदना है वो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।